वाराणसी में प्रगतिशील पार्टी सर्कुलर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिनांक 6/12/2018 गुरुवार को सिगरा स्थित भारत माता मंदिर में काला दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियां अपने पैर पसार रही है, उसके संदर्भ में आगामी 9 दिसंबर को शिवपाल यादव के नेतृत्व में समाजवाद प्रगतिशील पार्टी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसके माध्यम से वह उन सांप्रदायिक शक्तियों को चेतावनी देने का काम करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक अराजकता फैला रखी है। वाराणसी से दीपक तिवारी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। इस देश की सांप्रदायिक शक्तियाँ जो ध्वस्त किया था, आज उसी के विरोध में हम कलंक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी महानगर और जिला संयुक्त रूप से कलंक दिवस रूप मना रही है। और हम लोग उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता से ये अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अराजकता का माहौल बना दिया है, उससे लड़ने के लिए आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, जिन्हें 9 दिसंबर 2018 को लखनऊ रमाबाई अंबेडकर पार्क में विशाल रैली का आयोजन किया है, जनाक्रोश रैली, इस रैली के माध्यम से हम इन सांप्रदायिक शक्तियों को यह जवाब देने का काम करेंगे कि अब बहुत हो चुका है, अब हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को आपस में लड़ने नहीं देंगे। आज 6 दिसंबर का किस तरह विरोध कर रहे हैं? आज हम कलंक दिवस मना रहे हैं, मौन रूप में काला फीता बांध करके काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। बोलेंगे।